फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं एज़ वी डिस्कस के आपके पास जब फ्लक्चुशंस आती हैं एक्सचेंज रेट के अंदर दैट कैन बी ड्यू टू एनी रीज़न सपोज हम लोगों ने टेस्ट की बात की हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट की बात की इन्फ्लेशन की बात की और ड्यू टू एनी रीज़न्स और मे बी इंटरनेशनल कोई इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से uh, कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट करता है तो देर आर मैनी रीजन्स थ्रू विच आपके पास इस एक्सचेंज रेट के अंदर फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं तो ये uh, हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो फाइनेंशियल मार्किट से लिंक्ड है इन वन वे और अदर उसको ये अफेक्ट करेंगी फ्लक्चुएशंस जैसे सपोज़ हम uh, बात करते हैं इंडिविजुअल्स की वो भी इफेक्ट होते हैं फर्म्स की बात करें बैंक्स की बात करें जो भी सपोज़ लिंक हैं विद इंटरनेशनल सिस्टम और जो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स uh, हो रही हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री वो इफेक्ट होंगी सपोज़ अगर एज अ इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री मुझे आज लगता है सपोज आई एम प्रडक्टिंग दैट के आपके पास uh, मैंने जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है आई एम रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो मुझे ये लग रहा है इन अ पॉजिटिव केस के कल को जो एक्सचेंज रेट है पाकिस्तान और पाकिस्तानी करेंसी रूपी का जो यूएस डॉलर है उसके साथ फ्रॉम 170 टू 200 जा सकता है तो दैट इज़ फॉर श्योर इस केस के अंदर एज एंड इंडिविजअल मेरी एक सपोज़ प्रोडक्शन है कि जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है वो अल्टीमेटली ये अलाउ करेगी एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएट करने में फ़्लक्चुएट तो नहीं इनफैक्ट अपवर्ड ट्रेंडिंग है इसका तो ऊपर जाने में फोर श्योर sure अगर ये 200 नहीं जाता तो ऑब्वियसली ये मैं एज अ ले कह रहा हूँ कि मेरी प्रोडक्शन है या जब आ, ऐसे इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके पीछे डिफरेंट इंडिकेटर्स देखे जाते हैं थ्रूविच आपके पास इंटरेस्ट रेट आपके ख्याल में ऊपर या नीचे आ, जाया जा सकता है तो इसको हम वैसे आ, लिटरेचर में इसको स्पेकुलेटर्स भी बोलते हैं उसको हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे बट फॉर नाउ हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स लिंक्ड होते हैं तो अगर तो वो टू क्रॉस करता है तो गुड uh, इनफ मुझे रिटर्न मिलेगा लेकिन अगर सपोज uh, दैट कि अगर ये पॉजिटिव की तरफ नहीं है और आई एम नॉट वेरी मच श्योर और आपके पास जो एक्सचेंज रेट है सपोज को ये एक ऐसा केस बिल्ड हो जाता है पर्स किया जो आजकल रशिया इज़ ट्राइंग टू डू रशिया कहता है कि जी ऑयल ट्रेडिंग मेरे साथ जो है वो आप डॉलर की बजाय रूबल्स में करें या गोल्ड में करें सपोज सो so, उस केस में यू कैन इमेजन दैट कि डॉलर की वैल्यू को क्या इफेक्ट पड़ेगा दैट विल चेंज द होल डायनामिक्स एंड खास तौर पर जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसको किस तरीके से ये अफेक्ट करेगा वी विल लर्न इन लास्ट इन लास्ट मीडियूल्स के किस तरीके से एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन हुई करंट uh, सिनेरियो में कैसे पहुंचा इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सिस्टम है लेकिन अब uh, यहाँ तक सिर्फ ये समझ लेते हैं कि ये जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हैं टू तो एक्सटेंड ये आपके पास इंडिविजुअल्स को uh, बड़ा इफेक्ट कर सकते हैं इसी तरीके से अगर फर्म्स uh, को अगर स्टडी करें तो फर्म्स का केस भी हो सकता है क्योंकि फर्म्स तो uh, ना सिर्फ फॉरेन करेंसी पर सेल परचेज़ में तो नहीं है सच इन्वॉल्व होंगे बट ये एक कॉमोडिटीज़ की फॉर्म के अंदर आपकी सेल एंड परचेज होती है इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड स्पेसिफिकली गुड्स तो उस केस के अंदर इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर दोनों जो है वो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो यहाँ पर हम ज्यूम करते हैं एज वी एज्यूम्ड इन प्रीवियस मॉड्यूल्स दैट वी आर लिविंग इन यू एस ए और यू कैन से वी आर रेजिडेंट ऑफ़ यू एस ए हमारा होम कंट्री है और हमने uh, यूरोप को जो है वो फॉरेन कंट्री कंसिडर किया था वेन वी वी आर स्ट्रेडिंग टू कंट्री केस तो इस केस के अंदर सपोज आई एम इम्पोर्टर ऑफ लिविंग इन यू एस ऐ और मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ फ्राम यूरोप सो इन दैट केस मेरे पास पर्स किया जो अभी स्पॉट ट्रेड है करंट पॉइंट इन टाइम के अंदर वो है वन डॉलर अगेंस्ट वन जो है यूरो उस केस के अंदर सपोज़ मुझे पेमेंट करनी है आफ्टर थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स पेमेंट के बाद सपोज़ उस वक्त जो मेरा रेट बनता है वो है वन पॉइंट वन ज़ीरो डॉलर टू वन यूरो अब इस केस के अंदर एज आ एक्सपोर्टर या सॉरी एज आ इम्पोर्टर अगर हम बात कर रहे हैं एज आ इम्पोर्टर मैं अपनी एक कॉमोडिटी बाहर से मंगवाना चाह रहा हूँ और उसके अंदर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का एज अ बिज़नेस मैन मेरे ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा कि आपके पास मुझे जहाँ पे जस्ट जो मैंने उस वक्त स्पॉट रेट था वन डॉलर टू वन यूरो अब मुझे आई हैव टू पे वन पॉइंट वन ज़ीरो डॉलर टू वन यूरो अब एज अ इम्पोर्टर मुझे लॉस uh, हो रहा है एंड आई हैव टू पे टेन परसेंट मोर टू इम्पोर्ट एनी कॉमोडिटी अब इस केस के अंदर मेरी इम्पोर्ट्स जो वॉल्यूम uh, है या इम्पोर्ट्स जो कॉमोडिटी है वो सिर्फ उतनी आएगी जितनी मैंने इम्पोर्ट करनी थी बट वाई आई एम पेइंग मोर दैट इज ड्यू टू द फाइनल फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशंस आई हैं उस वजह से आई हैव टू पे दॉट अब ऐसा नहीं होता टू तो समस्टेंट आपके पास जो एक्सपोर्टर है वायस वर्सा उसको थोड़ा सा फ़ायदा भी होता है डेप्रिसिएशन का uh, इस केस के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास जो सपोज़ uh, जो कॉमोडिटी आपको uh, जो आपने सपोज़ एक्सपोर्ट की है किसी के ऑपोजिट साइड को अगर आप देखें तो अगर एक्सपोर्ट किया है तो वहाँ पर आपको टेन परसेंट बेनिफिट हो जाएगा जो आपको वन डॉलर की सपोज पेमेंट होनी थी अब वो आपको वन पॉइंट वन ज़ीरो डॉलर की पेमेंट हो रही है और अल्टीमेटली यू आर बेटर ऑफ नाउ इसी वजह से अगर आप देखें तो नॉर्मली डेप्रिसशन की वजह से जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको फ़ायदा होता है और यही पॉलिसी अगर चाइना की हिस्ट्री पढ़ें, तो उस केस के अंदर आपको प्रीडामिनेटली नज़र आएगी और अभी भी प्रेजेंट uh, पाकिस्तान uh, सिचुएशन अगर देखें टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू के अंदर ख़ास तौर पर जो ट्रेड के ट्रेंड्स आपको नजर आएंगे यू विल सी इनक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स आपकी कंपेटिटिव हुई हैं वर्ल्ड मार्केट के अंदर आपका जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है सो so, दोनों को इंपोर्टर uh, और एक्सपोर्टर इफेक्ट ज़रूर होते हैं लेकिन ये फ्लक्चुएशंस अगर बहुत ज़्यादा हों तो अल्टीमेटली इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों के कॉन्फिडेंस को लूज़ होता है इन केस यहाँ पे क्योंकि वो अगर वो श्योर नहीं है जैसे ये ज्यूम किया जाता है माइक्रो इकनॉमिक्स के अंदर कि प्राइस स्टेबिलिटी इज़ मैंडेटरी टू अप्लाई एनी फॉर्म ऑफ इकनॉमिक पॉलिसी तो वहाँ पे या आपके पास जो इकनॉमिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो प्राइस स्टेबिलिटी है ये बड़ी ज़रूरी है तो इस केस के अंदर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट जब आप कोई भी पॉलिसी ऐसी ऑप्ट करना चाहते हैं जहाँ पे आप इसको आ, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को रिलीफ देना चाह रहे हैं सपोज या कोई भी ऐसी पॉलिसी या उनको स्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट ना करें एक्सपोर्ट टैक्स लगा रहे हैं या एक्सपोर्ट टैरिफ लगा रहे हैं इम्पोर्ट टैरिफ लगा रहे हैं तो वहाँ पर एक्सचेंज रेट का भी काफ़ी रोल आएगा अब इसी तरीके से आ, एक नेशन से दूसरी नेशन में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं डिफरेंट फॉर्म के अंदर और हम ये ज्यूम करते हैं एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टूल होता है ट्रेडरी बिल्स ट्रेडरी बिल्स के अंदर सपोज यू एस ए का रेजिडेंट है और वो इंटरेस्टेड uh, है टू बाय यूरो वो ट्रेडरी बिल्स यूरो के अंदर यूरोप uh, के अंदर ट्रेडरी बिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें इन दैट केस वो क्या करेगा वो और इसकी प्राइम रीज़न ये है कि यू के अंदर आपके पास इंटरेस्ट रेट कम हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्टर वुड लव टू तो टेक एडवांटेज ऑफ द इंटरेस्ट रेट डिफ़रेंशियल्स। कि जो यू के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हैं और यूरोप के अंदर ट्रेडिबल्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है सपोज़ अगर हम इसको देखें ज्यूम करते हैं कि फाइव इज़ रिटर्न यू एस ए ट्रेडिबल्स और जो यूरोप के अंदर बिल्स के अंदर रिटर्न है टेन परसेंट अब ये इस इन्वेस्टमेंट के अंदर भी एक्सचेंज रेट कहीं ना कहीं पे आता है सपोज हम ये कहते हैं कि आपके पास जो स्पॉट रेट है वो गिर जाता है और वो जब गिरता है तो जो मैंने फाइव परसेंट का गेन लेना था एज ए इन्वेस्टर उसको वो बैडली हर्ट करता है फ़र्ज़ करते हैं कि वो फाइव परसेंट वहाँ से डेप्रिसिएशन हुई है तो यू कैन इमेजन दैट कि मैंने जो डोमेस्टिक ट्रेडेबल्स छोड़ के फॉरन ट्रेडिबल्स ख़रीदे हैं उसका मुझे जीरो फ़ायदा होता है ये फ़र्ज़ किया कि कुछ फ़ायदा होता है अगर जो एक्सचेंज रेट है इतना ज़्यादा नहीं गिरता तो उसमें से मैं कुछ गेन लेता हूँ कुछ गेन नहीं ले पाता तो इन इन एनी केस मुझे थर्ड केस के अंदर हो सकता है कि मेरा जो एक्सचेंज रेट के अंदर इतनी वॉलीटलिटी आई है कि वो इतना गिरा है कि जो मेरे सपोज uh, रिटर्न थे उसको वो कम्प्लीटली खा गया है और प्लस मेरा नुकसान हो गया है कुछ इन दैट केस तो यहाँ पे नाउ यू कैन इमेजन दैट कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन किस किस तरीके से अफेक्ट करती हैं अब नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस को अवॉइड किया जा सकता है